कंपनी का हम सिग्नल पकड़ के दिखाएंगे। मैं आज फ्री डिश का दिखाऊंगा, कोई भी रह लो, फ्री डिश हो, एयरटेल हो, आप कोई भी सेटअप। सिग्नल लाने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये देखो 18 वोल्ट और 13 वोल्ट, इसमें एक साइड में रिसीवर को केबल जाता है और एक साइड LMB लिखा हुआ है पीछे से, आप देख सकते हो, वो हिसाब से आप कनेक्शन कर सकते हो उसमें। ये देखो LMB को हमेशा -25 पे ही रखेंगे, ये दिखा दिया मैंने। और ये देखो मैंने कनेक्शन कर लिया है, अभी मैं जोड़ लेता हूँ पहला, इसलिए मैंने ऊपर TV ले लिया क्योंकि आपको दिखा सकूँ मैं डायरेक्ट। ये देखो यहाँ से राइट साइड का हमारा रिसीवर का है और लेफ्ट साइड का LMB कनेक्शन किया है। देखो मैंने पहले कनेक्शन कर लिया, अब दोनों तरफ कौन सा भी साइड एक साइड एक बार कनेक्शन कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये कनेक्शन करने के बाद हमको मीटर को किस रेंज पे रखना चाहिए, पहला 0 कर लेंगे। करने वाले देखो मैंने सेटअप बॉक्स कनेक्शन कर लिया है फ्री डिश का, ये देखो मेरा सिग्नल अभी 0 है। ये देखो मैं कनेक्शन कर लिया और मेरा रेड और ग्रीन नीचे वाला जल गया। ये देखो ये मेरा 12 वोल्ट का है। अभी हम करेंगे क्या, इसको हम घुमा के 3 पे ही रखेंगे, कौन सा भी सेटअप बॉक्स ले लो सिग्नल के लिए 3 पे ही रखना जरूरी है, क्योंकि उससे नीचे रखोगी तो आपको सिग्नल का कांटा में कुछ पता नहीं चलेगा, ज़्यादा रखोगी तो भी प्रॉब्लम, इसलिए 3 पे रखोगे हमेशा सही रहता है। कौन सा भी सेटेलाइट सेटअप बॉक्स हो वो कुछ तकलीफ नहीं है। देखो मैंने 3 पे रखा, फिर एंटीना को घुमाएंगे। देखो ये मेरा जिंक का कनेक्शन कर दिया, आपको डायरेक्ट लगा के दिखा देता हूँ। ये देखो मैं थोड़ा घुमाऊंगा तो थोड़ा आवाज़ कैसे आ रहा है देखो, क्योंकि मेरा जब सिग्नल आ जाएगा देखो जो बीच वाला सुई दिख रहा है ये पूरा लास्ट तक जाएगा और आवाज़ इस तरह आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ भाई मेरा सिग्नल आ गया। TV का आवाज़ आ रहा है, उसके लिए मैं 0 कर लेता हूँ साउंड, नहीं तो फिर कॉपीराइट आएगा मेरा। ये देखो आप जब कनेक्शन कर लोगे तो आप सिग्नल नहीं रहेगा, फिर भी आप ये मेरा सुई बीच में ही रहेगा, तो इसका मतलब आप समझोगे कि ओके सिग्नल है, सिग्नल नहीं आएगा। तो जब ही सुई आपका लास्ट तक जाएगा तभी वो सिग्नल आ गया समझ जाएगा। ये देखो आप देख सकते हो तो 70-80 तक आता है सिग्नल। यहाँ पे आपको घुमा के दिखा देता हूँ, ये देखो सेटेलाइट से सही जगह पे देखो पूरा सिग्नल सुई पूरा लास्ट तक चला जाता है। ये ज़्यादा रुपए में नहीं, 200-250 रुपये में आ जाता है, ये सबसे अच्छा सेटेलाइट DP मीटर है। मैं एक जगह फिक्स कर लेता हूँ पहला, बाद में आपको दिखाऊंगा मैं कौन सा जगह पे फिक्स किया। इसमें आपको किधर भी सिग्नल आप ले सकते हो, कोई तकलीफ नहीं। देखो 70-75 है, ये 70-75 भी बहुत है, मेरा सब चैनल चलेगा, कोई तकलीफ नहीं। अब देखो पीछे से मेरा चैनल भी चल रहा है अभी। LMB को हमेशा ध्यान रखना है माइनस पे ही रहने देना, जो बीच में लिखा है 0 लिखा है उसको हम माइनस पे रखेंगे, 25-30 का बीच में रखेंगे तो हमारा सिग्नल सही आता है। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, अगले वीडियो पर मिलते हैं।